गाइस, माय सेल्फ किंचन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने वाली हूँ के ब्यूटी का जो हाइलाइटर आता है वो कुछ इस तरह से आता है। उसमें 4 to 5 सेट्स आपको देखने को मिल जाता है। ये नायका पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप बाई कर सकते हो। हो सकेगा तो बाइंग लिंक दे दूंगी। के ब्यूटी की प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छी होती है। मेरे पास ऑलरेडी के ब्यूटी का फाउंडेशन है, के ब्यूटी की काजल है और हाइलाइटनर के रिव्यू मैंने सुने हुए हैं। तो मुझे कब का लेना था और अभी रिसेंटली नायका पे जब हॉट पिंक जो सेल आया था ना, तो उसमें 200 रुपये कम में मिल रहा था, तो इसीलिए मैंने ले लिया है। 8.5 ग्राम जो है इसकी क्वान्टिटी आती है। इसकी प्राइस ओरिजिनल प्राइस जो भी होगी स्क्रीन पर मिल जाएगी, उसमें 200 रुपये कम थे, यानी कि 20% ऐसा कुछ डिस्काउंट था। तो बाहर की पैकेजिंग की बात करते तो इस तरह का आता है, कार्डबोर्ड था और उसके अंदर इस तरह का आपको हाइलाइटनर रिसीव होता है। और इसमें मेरा शेड जो है वो शैम्पेन फ्रीज करके है। अंदर से आप देखोगे तो इस तरह का आपको रिसीव होता है। मैंने शैम्पेन वाला लिया, मुझे शैम्पेन एंड रोज़ गोल्ड वाले जो शेड्स होते हैं वो ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैंने ये वाला शेड लिया है। आपको इसमें 4 to 5 जैसे मैंने बताया शेड्स मिल जाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। यहाँ पे आपको एक मिरर रिसीव हो जाता है, मिरर अच्छी क्वालिटी का है, अच्छा है, पूरा फेस दिख जाता है। तो आप जब भी ट्रैवलिंग करते हो ना, तो आपको मेकअप करना है और आपके पास मिरर नहीं है, तो इसमें देख के आप आराम से कर सकते हो। लाइट वेट है इसकी लुकिंग, इसका जो आउटर पैकेजिंग और वो सब की बात करते हैं ना, तो बहुत ही क्लासी लगता है। पीछे वहाँ पे इसकी जो डिटेल्स वगैरह दी गई है, जो एक्सपायरी डेट वगैरह जो होती है, और आगे से कुछ इस तरह का लगता है, अमेजिंग है। बहुत ही आप देख सकते हो पतला सा डेलिकेट टाइप का है और ट्रैवल फ्रेंडली है, आराम से आप कहीं पे भी ले जा सकते हो वैसा है। तो इसका अप्लाई करने के बाद कैसा लगता है फेस पे, मैं इसका एप्लीकेशन दिखा देती हूँ, देन मैं वापस आती हूँ। माय गॉड, बहुत ही अच्छा है, पिगमेंटेड है, बिल्कुल भी चौकी चौकी नहीं लगता है, नेचुरल फिनिशिंग देता है और बहुत अच्छा है। कैन यू सी दिस, बहुत अच्छा है। के ब्यूटी की प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद है। मैंने इनकी फाउंडेशन, उनका काजल यूज़ की हुई है, अभी इसका हाइलाइटनर भी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सारी की सारी प्रोडक्ट अब तक की जो आई है ना, वो बहुत अच्छी आई है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है। थोड़ा सा 4-8 पे भी लगा दूँगी। तो गाइस, आपने इसकी एप्लीकेशन देख ली, इसको यूज़ करना तो इजी है ही, बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाता है, बिल्कुल भी चौकी चौकी नहीं लगता है। बटरी टेक्सचर है इसका, नेचुरल जो ग्लो होता है ना फेस पे, वो नेचुरल ग्लो देता है। बिल्कुल भी लगाने के बाद ऐसा फील नहीं हुआ कि आपने कुछ आर्टिफिशियल लगाया हुआ है। आप देख सकते हो अभी भी फेस पे शाइन, इवन विदाउट मेकअप भी आप नो मेकअप मेकअप लुक में भी इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा सा ग्लो आता है, अच्छे से ब्लेंड हो गया है, बिल्कुल भी चौकी चौकी जैसे मैंने बताया वैसे नहीं है। बिग थम्स अप पर डेफिनेटली जा सकते हो। के ब्यूटी की प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है। आई नो कि थोड़ी सी नॉर्म बाकी सारी प्रोडक्ट ब्रांड की कंपैरिजन में उसकी प्रोडक्ट थोड़ी सी कॉस्टली होती है, बट मीडियम रेंज बोल सकते हैं, ये मीडियम रेंज में आता है, तो बहुत कॉस्टली भी नहीं है, बहुत अफोर्डेबल भी नहीं है, लेकिन वर्थ इट है, डेफिनेटली जा सकते हो। तो बस आज के वीडियो में यही था। आई होप कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा। गाइज, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। स्टिल देन, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।